हाय गाइस, दिस इज़ एंडी और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक की और शायद ही अब तक सबसे ज़्यादा पूछा गया टॉपिक है मेरे चैनल पर। और जो ये टॉपिक है उसका मतलब सब्सक्राइबर अगर मैं नाम भी लूँ तो सबको ये लगता है कि हाँ भाई, सब्सक्राइबर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और उन चैनल के लिए सबसे मतलब बड़ी चीज़, किसी भी चैनल के लिए सबसे बड़ी चीज़ सब्सक्राइबर होती है, क्योंकि वो आपका एक ऐसा बेस होता है कि हाँ, आप छाती चौड़ा कर बोल सकते हैं कि हाँ भाई, मेरे पास इतने सब्सक्राइबर हैं। अगर आप मेरे चैनल की बात करते हैं तो ऐसे कितने चैनल हैं जिनके चैनल पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, करोड़ों व्यूज़ हैं, बट उनके सब्सक्राइबर्स मेरे से भी कम हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास मात्र 68 वीडियो हैं, मात्र 2 मिलियन व्यूज़ हैं और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो हैं 66,000, जो कि मतलब कल तक ये 67,000 हो जाएंगे। लेकिन ये सब्सक्राइबर्स गेन कैसे कर सकते हैं? बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जिनसे आप सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं। कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो असलियत में काम करते हैं, जो आपके लिए हमेशा लीव लॉन्ग काम करेंगे और जो आपको बहुत मतलब आगे तक ले जाएंगे। कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो आपको सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे से दिला सकते हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स दिला सकते हैं, बट शायद आपको उतनी संतुष्टि या फिर खुशी ना दें। तो आज हम इन्हीं सारे तरीकों पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं हमारे पहले तरीके। तो पहला तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका सबसे आसान है और अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपके लिए यकीनन ये काम करेगा। और पहले तरीके में दोस्तों, पहला तरीका आपके लिए थोड़ा बहुत टफ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत चाहिए थोड़े माइंड की और एक ट्रिक की। वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं चलता हूँ आपको अपने पॉपुलर अपलोड्स की तरफ लेके। ये मेरा दोस्तों ये प्लेलिस्ट है पॉपुलर अपलोड की। तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे पॉपुलर अपलोड पे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो मेरा टाइटल है वो मैंने बिल्कुल नॉर्मल दिया है, ज़्यादा मतलब नहीं लिखा। तकरीबन मैंने इसमें दिए होंगे जो वर्ड्स हैं वो 50 वर्ड्स दिए होंगे, 50 भी नहीं, 30 कैरेक्टर्स का ये मैंने बनाया होगा। लेकिन मेरे आप देख सकते हैं 3 हफ्ते में 8,40,000 व्यूज़ आए कैसे, तो वो ऐसे कि दोस्तों बिल्कुल आराम से मैंने इसमें लिखा, मतलब बिल्कुल छोटा इसको टाइटल दिया, जितना छोटा हो सके उतना। लेकिन ये भी नहीं कि आप 2 वर्ड में लिख दिए एंड्रॉयड इक्वल्स टू DSLR, ऐसा मत लिखिए। आप थोड़ा अच्छा लिखिए, थोड़ा वेल डिफाइन करिए उसे, जैसे कि मैंने कर रखा है मेक योर एंड्रॉयड फ़ोन DSLR, इट रियली वर्क्स। बहुत सिंपल है। और अगर आप बात करेंगे मेरे थंबनेल की तो सबसे बड़ी हंसने वाली बात मेरे थंबनेल में ये है कि जो मैंने थंबनेल बनाया उसमें भी मैंने एक गलती कर रखी है। वो गलती क्या है, मैंने स्मार्टफोन को स्मार्टफोन लिख रखा है। अब ये थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है एडिटिंग के टाइम पे। वो हुआ क्या, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों मैंने इसमें क्या खेल खेला है। अब आपको क्या करना है, जो भी आप डिफाइन कर रहे हैं, पहले तो आप बैकग्राउंड अपना एकदम ऐसा रखें जो आपके सिर्फ ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट दिखे। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट एंड्रॉयड इन DSLR, मैंने यहाँ पर एंड्रॉयड लगा दिया और यहाँ पर एक DSLR लगा दिया। मतलब आपको अपना सब्जेक्ट तो लगाना ही लगाना है। फिर आपको बस छोटा सा डिफाइन कर देना है व्हाट यू आर डूइंग इन दिस वीडियो, मतलब आप क्या उस वीडियो में बताने वाले हैं। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया मेक योर स्मार्टफोन और DSLR फॉर $0। अब नीचे जगह रह गई थी तो मैंने बस सिंपली उसमें डू इट लिख दिया। आप ये सब कर सकते हैं, आपके लिए यकीनन काम करेगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं, ये वीडियो थी 1 महीने पहले डाली थी, 4,14,000 व्यूज़ है। तो इसमें क्या है, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है एक एंड्रॉयड फ़ोन। ओके, एंड 10 मिनट्स, मतलब आप 10 मिनट काम करेंगे तो एंड्रॉयड एंड 10 मिनट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और बस 2 लाइन से भी कम में, मतलब 1 लाइन का हमने यहाँ पे अपना उसमें थंबनेल में वो दे दिया, टेक्स्ट दे दिया। तो इतना आप करिए और यकीनन आपके लिए ज़रूर काम करेगा दोस्तों, ज़रूर काम करेगा। और ना करे तो मेरी जूती आपका सर। लेकिन थंबनेल ऐसे बनाइए जो आपके लिए हमेशा काम करें। कई लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे मतलब फोटोशॉप से कतई अच्छे तरीके से अपने जो थंबनेल्स हैं उन्हें एडिट करते हैं, पर गलती क्या हो जाती है, वो उसमें ऑब्जेक्ट भी अच्छे डालते हैं, सब कुछ अच्छा डालते हैं, बट गलती एक ही चीज़ की रह जाती है कि वो टेक्स्ट ज़्यादा दे देते हैं। मतलब वो उसमें जो अपना थंबनेल है उसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक लिख देते हैं, तो लोग उस पर क्लिक करते नहीं हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब ऐसे जो थंबनेल हैं अगर वो हल्का सा भी क्लिक बेट उन पर हो जाता है तो बहुत आगे जाते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ तक पहुंच जाते हैं।
तो अब मैं बात करता हूँ दूसरे तरीके की। तो दोस्तों दूसरा तरीका भी काफ़ी सिंपल है और आपके लिए काफ़ी आसान है, और यकीनन अगर आप हल्की सी मेहनत करेंगे, एक दिन में अगर आप एक घंटा भी देंगे तो यकीनन आपके 100-200 सब्सक्राइबर्स एक दिन में गेन हो जाएंगे। अब वो कैसे होंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको अपनी एक वीडियो की तरफ लेकर चलता हूँ। ओके, अब मैं आपको अपनी इस वीडियो की तरफ लेकर गया, तो कमेंट सेक्शन में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है। अब मान लीजिए टेक क्रेजी ने क्वेश्चन पूछा था, यार पेड सॉफ्टवेयर है ये, फोटोज़ रिकवरी के लिए पैसे मांगता है, मतलब इन्होंने सिंपली बताया कि ये सॉल्यूशन मांग रहे हैं कि क्या होगा। ओके, तो इसमें क्या है कि आप यहाँ पे देखिए गेम्स ऑफ गैजेट है, इन्होंने क्या हेल्प करी है इन चैनल की टेक क्रेजी की, कि इन्होंने बताया है कि भाई रेक्यूवा यूज़ कर लो, फ्री सॉफ्टवेयर है डेटा रिकवरी के लिए। काफ़ी सिंपल तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करा कि आप रेक्यूवा यूज़ कर सकते हैं और वो फ्री है। तो ये सिंपली उन्होंने उनकी हेल्प करी और इसमें इन्होंने लिख दिया प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये उनकी हेल्प कर रहे हैं और उसके बदले में ये उनसे कह रहे हैं कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपकी कोई मदद कर रहा है और आपसे बोले कि प्लीज़ आप इसके बदले में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ज़रूर आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो यही यहाँ पर हो रहा है, और दोस्तों यकीनन ये इस तरीका काम करता है। और पहले जब मैं छोटा यूट्यूबर था तो तकरीबन 100-200 सब्सक्राइबर्स मैंने इसी तरीके से गेन करे थे, और जो मेरे आइडल चैनल थे फिलहाल तो मैंने उनको भी पीछे छोड़ दिया है, बट दोस्तों अभी भी मेरे लिए वो आइडल है, बट मैं उनकी कमेंट सेक्शन में जाके लोगों की हेल्प करा करता था और मेरे को काफ़ी सब्सक्राइबर्स उससे मिले हैं। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, तीसरे तरीके की तरफ आते हैं, और तीसरा तरीका दोस्तों हल्का फुल्का लाभदायक भी है और हल्का फुल्का नुकसानदायक भी है। अब लाभदायक इसलिए है कि दोस्तों इसमें आपके सब्सक्राइबर्स हज़ारों लाखों सब्सक्राइबर्स आप इस तरीके से गेन कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको तरीका दिखा रहा हूँ। ये तरीका है सब फॉर सब। आप में से काफ़ी लोगों ने दोस्तों इस तरीके के बारे में सुना होगा, सब फॉर सब के बारे में। तो दोस्तों होता क्या है कि आप किसी पर्सनैलिटी, आप किसी पर्सन के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसके बदले में वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है। ओके, तो ऐसे में क्या है, मान लीजिए फ्री सब्सक्राइबर्स हैं, ओके, और ये फ्री है तो ओके, टाइम नीडेड। अब आपको क्या करना है, रॉकेट सब्सक्राइबर्स हैं, अब आपको इससे गेन होंगे एक दिन में 20 सब्सक्राइबर, लेकिन इसके बदले में आपको सब्सक्राइब करने पड़ेंगे 30 चैनल। ओके, अब आपको कितना टाइम लगेगा इसमें, 8 मिनट, मतलब अगर आप 8 मिनट लगा रहे हैं तो आपको 8 मिनट में 20 सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, ऐसी हज़ारों वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में सब फॉर सब के जरिए ये सब्सक्राइबर्स देती हैं, बट दोस्तों सब फॉर सब से आपका फ़ायदा तो बहुत हो सकता है, आपको सब्सक्राइबर्स हज़ारों मिल सकते हैं, बट सबसे बड़ी नुकसान वाली बात जो मेरे को इसमें लगती है वो ये है कि आप तो सामने वाले आदमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बट क्या पता वो आपको अनसब्सक्राइब कर दे, क्या पता वो आपकी वीडियो देखे ही ना, वो आपको सब्सक्राइब कर ले बट उसको आपके चैनल में कोई इंटरेस्ट हो ही ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपने मान लीजिए अंधाधुंध किसी के चैनल को सब्सक्राइब करा और आप भी उनके वीडियोज को नहीं देख रहे और वो भी अंधाधुंध आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बाकी के चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, बस वो सब्सक्राइबर तक ही लिमिटेड रहता है, मतलब आप सब्सक्राइब करेंगे वो सब्सक्राइब करेंगे बट वीडियो पे व्यूज़ वो नहीं आएंगे। मान लीजिए आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए और आपको सब्सक्राइबर्स मतलब आपको व्यूज़ दिन के 100 व्यूज़ भी नहीं मिले, तो दोस्तों क्या फ़ायदा ऐसे 1 लाख सब्सक्राइबर्स का। तो दोस्तों मैं सोचता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और नीचे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, बट मैं आपसे जो काम ना करता हूँ वो यही करता हूँ कि आज डिसलाइक्स ना मिले, कुछ भी हो जाए, और आज जितने लाइक्स आप दे सकते हो प्लीज़ 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 देखें सबसे ज़्यादा लाइक्स कितने मिल सकते हैं, वो आप प्लीज़ आज हमें करके दिखाएं। और अगर आप भी एक भी पर्सनैलिटी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको हल्की सी भी हेल्प हुई हो, बट लाइक ज़रूर करें दोस्तों, जाना कुछ नहीं है आपका, बस लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को। और जो हमारा चैनल है बीइंग देसी, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं कर रखा। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।